बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया और लड़ने के लिए भी ध्रुव जी पहुंच गए। वहां पर ध्रुव जी के बाबा आ जाते हैं। बाबा कौन है? स्वयं भू मनु। और जैसे ही मनु महाराज पहुंच गए, मनु महाराज ने कहा कि बेटा रुक जाओ, क्या कर रहे हो? बोले आपको क्रोध आ रहा है, आपने परमात्मा के दर्शन कर लिए फिर भी आपको क्रोध क्यों आया, गुस्सा क्यों आया? लेकिन ध्रुव जी ने दर्शन करे हैं, सत्संग नहीं सुना है। अब ध्रुव जी को सत्संग की जरूरत है। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने सत्संग को भी सुना है और बाबा के कहने पर वो लौट करके आए हैं। उसके बाद उन्होंने राज्य भी किया है, उसके बाद उन्होंने राज्य भी किया है। फिर उसके बाद जब मृत्यु देवी आ जाती हैं, जब मृत्यु देवी आई और ध्रुव जी से कहने लगी कि चलो हमारे साथ, हम आपको लेने के लिए आए हैं, हम आपको लेने के लिए आए हैं। ध्रुव जी बोले ठीक है, अवश्य चलेंगे आपके साथ, लेकिन ऐसा करो पहले आप नीचे झुक जाइए। अब मृत्यु देवी को क्या पता है कि क्या कह रहे हैं। अब ध्रुव जी ने कहा कि आप नीचे झुक जाइए। अब मृत्यु देवी नीचे की ओर झुक गई और उनके सिर पे पैर रख करके सीधे सुरक के लिए चले गए। जोर से बोलो जय जय श्री। अब मृत्यु देवी टकटकी लगा करके देखती रही, बोली ये कहां चला गया। मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके गए थे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। श्री राधा ही राधा के कीर्तन में बसता रवे है घनघोर यहाँ, और विश्वभान सुता की पायल के घुंघरू का बजता सोर यहाँ। कछु कछु माताओं को आलस आ रहा है, जब भगवान का कीर्तन होता है तो आलस नहीं, ऐसे नहीं बैठते हैं, आलस को छोड़ दो। दोनों ताली हाथों से बजाते हुए और मुख से बोलते हुए उठाइए दोनों हाथ ऊपर, ए हरि। जाति से मुखड़ पे बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां।
राजन परीक्षित ध्रुव जी के पुत्र का नाम है उत्कल और उत्कल महाराज के वंश में एक अंग हुए, ध्यान से सुनना, और उन्हीं अंग महाराज के यहां एक बैन हुए हैं। और बैन कैसे है पता है? उनके वंश में ये बैन हुए। देखो, मनुष्य के बिगड़ने के चार साधन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, बोल रूपम यौवन संपत्ति ही एवं बड़ा पद मिल जाना। रूपम यौवन संपत्ति यानी किसी बड़े पद का मिल जाना, सुंदर रूप का होना, ज्यादा संपत्ति होना। अगर किसी का जो पद मिल जाता है, जो बड़ा पद, किसी का डर भय नहीं है। तो ऐसा बता रहे हैं
सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, इन चारों चीजों के साथ में यदि विवेक नहीं है तो निश्चित रूप से और व्यक्ति के बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। जोर से बोलो जय जय श्री। देखिए और जो बहन है ना, बहन और बहन कैसे है पता है? रूप उनका सुंदर है। संतों को कष्ट देते हैं, संतों का मजाक करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कभी गऊओं की सेवा नहीं करते। बड़ा दुष्ट है, पापी है। तो संतों के द्वारा, संतों के साथ कभी मजाक नहीं करनी चाहिए। संतों के पास जाना है तो एक ही प्रसन्न करो कि गोविंद मिलेगा कि नहीं। मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। अगर संतों का आशीर्वाद मिल जाए तो आपका भाग्य सुधरने में भी देर नहीं लगेगी। जोर से बोलो जय जय श्री। लेकिन होगा संत तो, संत का हृदय तो शीतल होता है, करुणावान होता है। संत को कभी क्रोध नहीं आना चाहिए, संत को कभी क्रोधवान नहीं होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए, शीतल होना चाहिए। और सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज जो बैन है संतों का निरादर करता है, अपमान करता है, गऊओं की सेवा नहीं करता है। जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, बैन की मृत्यु हो गई तो संतों ने बैन के शरीर के द्वारा और उसमें से पृथु महाराज को प्रकट किया है। किसको? उसके शरीर के द्वारा पृथु महाराज को प्रकट किया है। और भी ये पृथु महाराज कौन है? ये साक्षात नारायण है। और पृथु महाराज का विवाह किसके साथ में हुआ? अर्ची देवी के साथ। ये अर्ची कौन है? ये साक्षात लक्ष्मी है। हाँ। और जैसे ही जब पृथु महाराज है ना, पृथु महाराज ऐसे हैं, सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, भूखों को भोजन देते हैं। लेकिन एक दिन बहुत अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल, सूखा पड़ गया बिल्कुल। जो भी किसान उस धरती माँ पर जो भी अन्न डालते हैं ना, वो वहां कुछ भी पैदा नहीं होता है। अब एकदम से पृथु महाराज को क्रोध आया, गुस्सा आया और पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। और आज वही पृथ्वी माँ गाय का रूप धारण करके और प्रकट हो जाती है और कहते हैं कि किसको मार रहे हो आप? किसको मार रहे हो? गौ माता का रूप धारण करके आ गई। आप मुझे दोष लगाते हो कि मैं आपको कुछ अन्न नहीं देती हूं। ये आपकी जो है प्रजा है वो कर्म नहीं कर रही है, और कर्म करेगी तो अन्न अपने आप उत्पन्न होने लगेगा। एक बात बताइए, किसी खेत में आप बीज डाल करके चले आओ,
क्यों मैया हो, क्यों भक्तो, किसी खेत में बीज डाल करके आप चले आओ, ना उसमें पानी लगाओ, कुछ भी मत करो, क्या आप हो जाएगा? क्या पृथ्वी में आपको यहाँ दे जाएगी? क्या क्या ये धरती माँ आपको काट के और उसको आपके घर में रख जाएगी? कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। ऐसे नहीं, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो जय जय श्री। कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि एकादशी का व्रत करती हैं आप, आवाज नहीं आती है। और एक बात कहूं, वैसे जब कथा सुनते हैं ना तो एक समय भोजन लो, एक समय फलार करो। हाँ, ये कथा का नियम है। हमारे परीक्षित महाराज जी हैं, एक ही समय भोजन कर रहे हैं हमारे साथ। बोले महाराज जी आप जैसा करेंगे वैसा हम करेंगे। अब कछु कछु माताओं को टेंशन हो रही है कि हम तो बिना भोजन के रह नहीं सकते, हम तो भोजन करेंगे। मेरा कहने का मतलब है भोजन आप दिन में चार बार करो भले ही, लेकिन कथा न छूट जाए। हाँ, कथा को आप समय से सुनो, ठीक है? हाँ, जोर से बोलो जय जय श्री। और जितनी भी माताएं, जितने मेरे भक्त लोग हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं, उनको कुछ न कुछ फायदा जरूर होती है। एक सेठानी थी, सेठानी, और वो कथा सुनने के लिए आती थी, लेकिन सेठ जी घर पे ही पड़े रहते थे, वो कथा सुनने के लिए नहीं आते। सेठानी ने कहा कि महाराज आप घर पे ही पड़े रहते हो, कथा हो रही है, कम से कम कथा सुनने के लिए तो जाया करो। सेठ जी ने कह दिया कथा का क्या सुनना है, लेकिन सेठानी नहीं मानी तो सेठ जी कथा सुनने के लिए आ गए। हाँ, पांडाल में कथा सुनने के लिए आ गए। उस समय व्यास जी ने कहा कि आ गए, बोले बैठ जाइए। अब सेठ जी ने सुना कि व्यास जी आवाज लगा रहे हैं बैठ जाओ, बैठ गए। बस इतना ही सुना था और कूलर चल रहा था और कूलर की हवा में आराम से तीन चार घंटे सो गए सेठ जी। हाँ, और जैसे ही जब आरती का समय हुआ तो व्यास जी आवाज लगा रहे हैं, बोले खड़े हो जाओ, तो एकदम से जगे तो आवाज कानों में आई, बोले खड़े हो जाओ, तो खड़े हो गए। आरती हुई, आरती लेकर के प्रसाद बटा, उसके बाद में सभी ने प्रसाद लिया और व्यास जी ने कहा कि जाओ। अब सेठ जी ने केवल यही सुना के आ गए बैठ जाओ, खड़े हो जाओ और चले जाओ। सेठानी ने पूछा घर पे, बोले आज व्यास जी ने क्या बताया? बोले आ गए बैठ जाओ, खड़े हो जाओ और चले जाओ। व्यास जी ने बताया ना, तो अब तो रटना लग गई उसकी। हाँ, हर पांच मिनट बाद उसी को रट रहे हैं। जैसे ही रात्रि को उस सेठ जी के घर में चोर आ गए। कौन आ गए? चोर। और जैसे ही चोर उसमें घर में अंदर प्रवेश करते हैं, अब सेठ जी का कहना हुआ, बोले आ गए। चोरों ने कहा आज तो हम पकड़े गए, इसको माल में ये जग रहा है और चारों तरफ से घिरे हुए हैं, कोई हिल मत जाना। वो खुद कह रहा है कि आ गए। अब सेठ जी ने कहा कि बैठ जाओ। चोर कहते हैं बैठ जाओ भैया, बैठ गए। अब फिर सेठ जी का कहना हुआ, बोले खड़े हो जाओ। अब एक दूसरे से कहता है खड़ा क्यों नहीं होता, आवाज आ रही है अंदर से, गोली मार देगा। अब बेचारे खड़े हो गए। सेठ जी ने कहा, बोले जाओ। चोर कहने लगे बहुत अच्छा है, बोले कहने के लिए भी, जाने के लिए भी कह रहा है कि बोले जाओ। निकल गए वहां से। मेरा कहने का मतलब समझ पाए?
अगर उस दिन वो सेठ जी कथा में नहीं आते तो उनके घर में चोरी होने से कोई रोक नहीं सकता था। जोर से बोलो जय जय श्री, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी बता रहे हैं कि पृथ्वी महाराज है ना, जब धरती माँ ने कह दिया कि अपनी प्रजा से कहो और वो कर्म करें, जब अपनी प्रजा को समझाया उन्होंने कर्म किया है, तो वहीं से आज उनको अन्न उत्पन्न होने लगा है। और पृथ्वी महाराज भी बड़े गदगद हो गए, लेकिन पृथ्वी महाराज यज्ञ करना चाहते हैं। पृथ्वी महाराज ने 99 यज्ञ करे, कितने 99 यज्ञ किए। अब राजा इंद्र घबराने लगा, कहीं इसने 100 यज्ञ कर लिए पूरे, इसके 100 यज्ञ हो गए तो मेरे राज्य पे नंबर इसका ही होगा। अगर इसने 100 यज्ञ कर लिए तो मेरे राज्य पर इसका ही अधिकार होगा। लेकिन पृथ्वी जी महाराज ऐसा नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इंद्र आप चिंता मत करो, मैं 100 नहीं, मैं 99 ही यज्ञ करूंगा। और उन्होंने 99 यज्ञ करे।